हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स सिविलियन पोस्ट से रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स ज्वाइन करने का दोस्तों। और अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी लार्ज है, तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें देख सकते हैं कि पद भी बहुत ज़्यादा है, इसमें देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो है वो 1524 है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है वो कहाँ का मांगा गया है, आपका सेंट्रल का चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि आपका डोमिसाइल जो है वो मांगा गया है कि नहीं मांगा गया, और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट में मैं सारा आपको डॉक्यूमेंट का बताया हूं, और मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसका फॉर्म के लिए आपको इनवेलप भरना है और सारा कुछ भरना है, और किस तरह से आपको स्टंप लगा के फाइनली पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वाला वीडियो में, और मैं आपको इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। और अभी आप जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मैं अभी जितना डॉक्यूमेंट रहा हूं उसका आप फोटो स्टेट करवा के और कॉपी करवा के रखो। मैं आपका नेक्स्ट जो वीडियो में है वो सारा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसका लास्ट डेट कब तक है, तो दोस्तों इसका जो वैकेंसी है वो आज ही आया है, आज से लेके आप 30 दिन जोड़ लो तो 2 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो आपको जो अपना एज कैलकुलेट करना है वो आपको 2 मई तक करना है, तो आपको ये भी बात का ध्यान होना चाहिए कि अपना जो एज कैलकुलेट करेंगे वो 2 मई तक करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर हम बात करें कि एयरफोर्स में टोटल वैकेंसी, ग्रुप सी में टोटल वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों वो है आपका 1524 है। तो वो आपको हम पहले ही बता दिए। अगर बात करें कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास भी भर सकते हैं, 12th पास भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि इसमें एज लिमिट क्या दिया गया है, तो दोस्तों एज लिमिट जो है आपका 18 से 25 साल तक है, और साथ ही साथ ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन और OBC का 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप OBC हैं, ST SC में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, क्या पता इसी में सिलेक्शन हो जाए अगर आपका वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, आपका ऑफलाइन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपका जो अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन करना है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लो कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है दोस्तों वो भी आपका ऑफलाइन होना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ। और यहाँ पे अब बात आता है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो ये सारा जो है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो इस सारा सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन आता है कि आप मतलब कि प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे ये सारा सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, आपको प्रिपरेशन करना है वाई ग्रुप का। जब आप वाई ग्रुप का प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन हो जाए, मतलब कि सॉरी एक्स ग्रुप का मतलब ग्रुप सी का प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप वाई ग्रुप का प्रिपरेशन करोगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे टेस्ट देना है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे मतलब ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो आपका बोथ हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों है कि आप अपना टेस्ट कैसे देंगे और किस तरह से पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है। तो जब आप जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और जाके प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब आप जाएंगे बाय करने के लिए, तो वहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर देना। आपको 270 रुपया लगेगा अगर आप एक साल का लेते हो तो, और दोस्तों आपको 135 रुपया लगेगा अगर आप एक महीना का लेते हो तो। लेकिन अभी इसका एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है 1 ईयर का ही लेना, और साथ ही साथ में इसमें आपका सारा एग्ज़ाम का खुल जाएगा, ऑल एग्ज़ाम का आपका इसमें खुल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप ये वाला कोड यूज करना, CXJ400, ये लास्ट में 00 है, तो आप इसी कोड को यूज करना, आपको वहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि आफ्टर एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो ये सारा टेस्ट होगा। और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में जिसमें भी आप अप्लाई करोगे उसमें जो भी मांगा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड और स्किल स्टैंडर्ड, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना, उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। मैं आपको बता दूं कि इसमें HKS है, LDC है, लॉन्ड्री मैन है, कारपेंटर है, बहुत सारा पोस्ट है, तो आप देख लेना। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशन इन्फोज और एजुकेशन इन्फोज क्विज पे ये वाला PDF फॉरवर्ड कर दिया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम ID है KUNALLL
और उसके बाद अंडर स्पेस, उसके बाद के आर, आप जाके सर्च करना, वहाँ से हमको फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद है कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको वो जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उसका एड्रेस जो है नोट कर लेना है कि आपको आपका जो एड्रेस है वो कौन सा है। उसी एड्रेस पर आपको देखना है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपका जो चॉइस है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें आप पहले वेरीफाई कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको ये सब जब कर लेना है, वो वाला PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सारा फॉर्म भर के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस में सारा वही एड्रेस लिख के, अपना एड्रेस लिख के, ये सारा कुछ करके आपको लिफाफा में करके भेज देना है। अगर आपको अभी जानना है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको जो है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भेजना है, तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करो और जाके देख लो कि पिछले बार जो ग्रुप सी का फॉर्म आया था उसमें मैंने कैसे सब कुछ बताया हुआ था, तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए और क्या क्या चाहिए। सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे एज सर्टिफिकेट का, तो मैं सारा क्लियर करूँगा। सबसे पहले आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आपको पहले भेजना है, और उसके बाद आपको अपना जो ओरिजिनल, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपना ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये बात को आप याद रख लो। उसके बाद अब आता है कि एज सर्टिफिकेट। तो दोस्तों एज सर्टिफिकेट में वैसे तो 10th का मार्कशीट चल जाता है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसीलिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भेजना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना 10th का मार्कशीट भेज दो। वैसे जो है 10th का मार्कशीट को भी वैलिड माना जाता है एज प्रूफ के लिए, मतलब सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो आप उसको भेज देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे को जहां तक लगता है कि आपका एडमिट कार्ड पक्का आ जाएगा, तो आप दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। उसके बाद यहां पे दिया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट उसमें लगा के भेजना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी अदर एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसमें डाल देना, जो सेल्फ अटेस्ट करके, और सारा डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, मतलब अपना आपको साइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब बात आता है कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का ये बहुत कोई को डाउट है कि सेंट्रल का नहीं है तो क्या करें। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ST SC OBC कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशूड बाय कॉम्पिटेंट सिविल अथॉरिटी। इसका मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया जो है गूगल पे, उसके बाद मेरे को मिला कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब DM या मैजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से आपका बना हुआ होना चाहिए। फॉर ST and SC only and for OBC आपको सेंट्रल का होना अनिवार्य, तभी आप इसको भर पाएंगे। अगर आप ST का, अगर आपके पास अगर आपके पास OBC का सेंट्रल का बना हुआ नहीं है तो फिर आप जनरल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो इन्वेलप में, जो अंदर में जो आपको इन्वेलप डालना है, आपको कैसे डालना है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके नीचे लिंक देखो, वहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। आपको 10 रुपये का स्टंप उसमें लगा देना है, 10 रुपये का ही लगाना है, आपको ज़्यादा का नहीं लगाना है। उसके बाद उसमें आपको अपना सारा जो है सेल्फ एड्रेस्ड कर देना है, मतलब आपको सारा एड्रेस वगैरह लिख देना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो आप उसका वेट करना, मैं कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। हाँ, आपको सेपरेट आता है कि आप जो है एक ही पोस्ट के लिए, मतलब कि दो पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलग अलग से फॉर्म भेजना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड एंड ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी मैंसन क्लियरली। आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो आपका क्लियरली मैंसन होना चाहिए, ठीक है। और आप डेफिनेटली भर सकते हैं, लेकिन आपको आपका जो एग्जाम होगा वो सारा एग्जाम एक ही साथ होगा, तो आपको फाइनली एक ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अगर आप 3-4 फॉर्म भर भी देते हैं तो फाइनली आपको एक ही एग्जाम देना है, लेकिन फिर भी अगर आपको दो पोस्ट के लिए भरना है तो आप भर देना, बाद में आपको जैसा आपका एग्जाम का डेट पड़ेगा आप उस अकॉर्डिंग एग्जाम देने के लिए जाना, आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगे। उसके बाद है कि आपका जो यहाँ पे साफ साफ, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इन्फॉर्मेशन आपका क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। और अब बात आता है कि एप्लीकेशन का आपको फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दिया, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, उसी में सारा एड्रेस आपको भरना है। पिछला वाला वीडियो देखना, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद है कि एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू डेट, मतलब कि जो आप 2 मई के बाद अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर पहुँचता है तो वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। एयरफोर्स विल नॉट रिस्पॉन्सिबल, और इंडियन एयरफोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यानी किसी भी तरह का अगर पोस्टल डिले होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन था, और दोस्तों आपको मैं बोल देता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं आपको बताऊँगा कि उसमें आपको किस तरह से सारा कुछ आपको भरना है। तो अभी आप ये सारा
सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको तैयार करके रखो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बता दूंगा कि आपको किस तरह से अपना जो है एड्रेस लिखना है। और अगर आपको जल्दबाजी है तो वो पहला वीडियो देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर देना, और जो लोग भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचा देना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों आई होप कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो ला पाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।